यूपी में पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो चुनाव में जा रहा है, वहां जो गठबंधन बने हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थिति है या बसपा का जो वहां पर अपना कोर वोट बैंक है, किस समीकरण की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि माना जा रहा है अब तक ये कि आरएलडी और सपा का एक बहुत फॉर्मेटेबल कॉम्बिनेशन वहां पर बन चुका है। मलूक नागर साहब ने कुछ सवाल उठाए थे, गौरव भाटिया जी ने उनका जवाब दिया। मैं चाहूंगा पहले मलूक नागर जी उत्तर दे दें उनकी बात का। जी, आपने गन्ने की बात की, उन्होंने बता दिया कि गन्ने का इतना भुगतान हुआ जितना पिछली दो सरकारों ने नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं गन्ने का रेट केवल हमारी सरकार ने बढ़ाया था इकट्ठा करीब 35-40%। अभी 10 रुपए बढ़ाए हैं 325 रुपए पे, तो 3% 2% हो गया, वो भी 3 साल हो गए हैं। दूसरा, जो हम गन्ने की किसानों की बात कर रहे होते हैं, कांग्रेस ही अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, समाजवादी के किसी भी एमपी ने गन्ने की आज तक बात नहीं उठाई, बीजेपी वाले भी चुप बैठे रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुसलमानों के साथ, जाटों के साथ, गुजरों का भी है, दलितों का भी है और सब जातियों के भी है। इसमें पाल सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार सभी जातियां आती हैं। गन्ने पे चर्चा हो, गन्ने पे गौरव भाटिया जी के पास जवाब नहीं है तो वो जवाब बताएं। अपने आप ही वो कह रहे थे 5-6 हजार बाकी हैं, उनमें 1.5 लाख करोड़ हमने दिए। मैंने करेक्शन करा कि 5 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ बकाया थे। कहते हैं आप अपने 100 गुने को अपने पास रखो। तो गौरव भाटिया जी को भी जवाब देना चाहिए गन्ने पे, किसानों पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, हिंदू और मुसलमान से हटके, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से हटके, और आतंकवादियों और बाहुबलियों से हटके, जो रोजमर्रा की चीज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गन्ना, किसान, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुमार, तमाम जातियां हैं जो किसानों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, स्थिति स्पष्ट करें गौरव भाटिया जी भी। बोले गौरव जी, छोटा जवाब ले। बिल्कुल, देखिए ये बसपा के लिए जवाब है। सबसे पहले तो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उद्योगपतियों को जो चीनी मिले थी वो बेच दी गई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जवाब दो प्लीज। सौरभ जी, मलूक जी, अच्छा नहीं लगेगा, आप मत हंसिए क्योंकि सब आप पे हंस रहे हैं आजकल, और मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो चीनी मिलों को, उद्योगपति को बेच दिया गया था। चीनी मिले बंद हो गई थी मायावती के समय में, शायद इनको पता ना हो। वो किसने खुलवाई? योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरी बात, आपकी कमी तो नहीं ढंग। सौरभ जी, जी जी जी, बोलिए बोलिए गौरव, बोलिए आ रही है आप जी, प्लीज। हाँ, धन्यवाद। सौरभ जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी विचित्र पार्टी है, मैनिफेस्टो इनका आता नहीं है तो जनता इनसे पूछ भी नहीं सकती। आपने ये वादा किया था, सत्ता में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, क्यों काम नहीं किया? दूसरी बात, मायावती खुद चुनाव नहीं लड़ती। तीसरी बात, 5 करोड़ की माला पहन लेती है, दौलत की बेटी है, कहती है दलित की बेटी हूं। चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल में मायावती ने कोई आंदोलन किया हो, जनता के बीच में गई हो तो बता दे। अरे मायावती बाहर निकलेंगी घर से तो लोग पहचानेंगे नहीं। तो यही तो आरोप लगा रहे हैं राजीव राय आप पर, वो इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि आपकी मदद करनी है, सपा का आरोप है। देखिए ऐसा है सौरभ जी, हमारी अपनी टांगे मजबूत हैं, हम अच्छे धावक हैं, हमें किसी की बैसाखियां नहीं चाहिए, और वो भी पंचर साइकिल समाजवादी पार्टी की, जिसकी सारी तीली टूट गई, कभी बसपा के साथ कभी कांग्रेस के साथ, दोनों बार चुनाव हारी, हमने अकेले हराया अपने दम पे, ये इतिहास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।